हेलो दोस्तों, तो फिर से एक नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। दोस्तों तो आज हमारे पास है ढेर सारी कचौरी है जो कि मैंने ली है, 10 पीसेस कचौरी ली है दोस्तों। तो ये शेगांव स्पेशल कचौरी है, कुछ ऐसी दिखती है दोस्तों। तो आज यही होने वाला है हमारा चैलेंज, तो मैं खा पाता हूँ कि नहीं चलो देखेंगे वीडियो में दोस्तों। 10 पीसेस आज तक मैं चैलेंज बीट नहीं कर पाई हूँ, तो खाऊंगा कि नहीं पता नहीं मुझे। तो चलो आज का वीडियो शुरू करते विद दिस शेगांव कचौरी ईटिंग चैलेंज। तो अंदर आप देख सकते हैं, इसमें ये ऐसी फीलिंग होती है दोस्तों दाल वाली। तो ये महाराष्ट्र में शेगांव है, वहाँ की फेमस कचौरी है, जहाँ पे गजानन महाराज का मंदिर है ना, वहाँ की है। नॉट बैड, टेस्टी। क्रंच आप सुन रहे होंगे, तो अंदर की जो स्पेलिंग है ना, बहुत स्पाइसी है दोस्तों। दोस्तों अगर चैनल पे नए हैं दोस्तों, तो प्लीज चैनल को चेकआउट कीजिए, वीडियो को देखिए, अगर अच्छे लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अंदर जो फीलिंग है दोस्तों, बहुत स्पाइसी है, ग्रीन चिलीज वाली फीलिंग है ना, ऊपर से चिलीज खा रहा हूं मैं। मैदे का होता है दोस्तों, ऊपर से डीप फ्राई किया होता है, खाने में बहुत दिक्कत होती है दोस्तों इसे। इससे पहले भी मैंने कचौरी ईटिंग चैलेंज किया था, उसमें भी मैंने मुश्किल से 5 ही कचौरी ख़त्म कर पाया था। मेरा आज मन है कि मैं पूरा कर पाऊँ ये चैलेंज।
या अंदर की फीलिंग है ना, नेक्स्ट लेवल स्पाइसी है दोस्तों। ग्रीन चिली वाली है स्पेशली। और इसकी लेयर जो देख सकते हैं आप, ये मैदे वाली लेयर बहुत मोटी है, आपको दूर से लग रहा होगा ये पतली है, बट पतली बिल्कुल भी नहीं, आप देख सकते हैं। दोस्तों मैं तो करना तो चाह रहा हूँ कंप्लीट, पर मेरे से हो नहीं पा रहा है दोस्तों, तो मैं चैलेंज हारता हूँ दोस्तों। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं चैलेंज कंप्लीट नहीं कर पाई, इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था, जेन्युइनली कह रहा हूँ मैं आपको। और मैं ऐसा नहीं कि वन टेक वीडियो बनाता हूँ, अभी मैं थोड़ी देर रुक के वापस वीडियो आके बनाऊंगा, वो नई चीज़ करता हूँ मैं। वन टेक में जितना खाया जाए उतना ही मेरे व्यूवर्स को दिखाता हूँ दोस्तों। तो मैंने टोटल 5 तो ख़त्म कर दिया, अभी 5 बचे, 1 2 3 4 5 5 मैं नहीं खा पाया दोस्तों, शायद मेरी कैपेसिटी इतनी होगी। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर रहे दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको मेरी जेन्युइन बातें पसंद आई होगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों, क्योंकि मैं वापस अभी इसको रीटेक करके वापस ये ऐड करके खाने नहीं वाला हूँ। मैं वन टेक में जितना खाया जाए उतना ही खाता हूँ, बाकी के मैं बाद में खा लेता हूँ, बट मैं फेंक नहीं देता हूँ कुछ भी। बट वही है दोस्तों कि तबीयत भी अपनी क्या बोलते हैं उसको प्रायोरिटी पर रखनी चाहिए, तो मैं तबीयत ख़राब नहीं करना चाहता हूँ, मुझे नहीं जा रहा है, तो आई एम नॉट टेकिंग दिस। ओके, तो लेट थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।